तोरे बना के क्यों बिगाड़ा रे, ओरे बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले साली सुमन बच करके मुझसे कहा जाए जाओ और हमें ये घंटे के अंदर चाहिए, ठीक है मैं जा रहा हूं और साली सुमन को मैं क्वार्टर से उठा लाऊंगा। यह हमारा गुंडा राज है, यह हमारा गुंडा राज है। आप देखो एक एक औरत को तो मेरा नाम माथुर चरण दास कहते हैं। कभी खराब बाजार में फाट फाट के लोग, अरे जब हम मादर चोलने के लिए, अरे सोनू गुंडा, अरे सोनू गुंडा तुझे तबाही ने मचा दिया तो मैं अपने भवन ना। उसके विषय में कुछ सोचना विचारना चाहिए और लिख पढ़कर अखबार में हम मुझे अखबार में यार निकलवा देना चाहिए। नौकर छोटे माले, यही भर्तिया का दफ्तर है। हाँ हाँ यही जो यही मकान दिखाई दे रहा है। जाओ देखो दफ्तर में हाल हाथ ही नहीं है। आइए आइए आपका स्वागत है। और कोई आज मैं आ चुका हूँ। आप आ चुके हैं, ये बैठिए बैठिए। सम्मान व इज्जत करना चाहिए। लाला मारी आपकी कोई मुलाकात तो हुई नहीं, लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं।
बक्सी तालाब के अंदर प्यार से सोनू गुंडा कहते हैं। सोनू गुंडा, हाँ सोनू गुंडा जी, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। बोलो। अरे आए हो किस बासी के समझ गए। आज तुम तीनों का ऐसी चीज लेकर हाँ अखबार में निकलवाने जा रही हूँ। अच्छा, आज प्रताप सिंह वह तुम्हारे मंत्री रामचरण चरणदास उन्हीं के विषय में मैंने कुछ लिखा है और आज ये अखबार में निकल जाएंगे, छपोगे कल। बिल्कुल जाएगा। और लिखने की बात रही, पहली बात तो सबसे बड़ा देवद्रोही से धन प्रताप जी नहीं, दूसरा नंबर सोनू सिंह, दूसरा नंबर सोनू गुंडा देवद्रोही। विदेश का माल देश में बेचता है, देश का माल विदेश में बेचता है। तीसरा नंबर देवद्रोही हमारे चरणदास, तुम्हारे पिता चरणदास नहीं बल्कि कहिए तुम्हारे पिताजी सबसे ज्यादा पठिया माता चौधरी। अगर लफ्ज निकाला तो जब तक तुम्हारा मुख से भाजपा जपा बोलता नहीं निकलेंगे ससुरी। सरकार में आए हो इसीलिए मैं तुम्हारा इज्जत बताया। तुम जैसे कबूतरों को मैं रोज उड़ाना जानता हूँ। कबूतर चल तक तो साली तुझे कौन बचाएगा। चार घंटा हमारे साथ करोगे, समझ लिया क्या बात है। अरे क्या तेरे घर में माँ बहन नहीं, बस यही पॉइंट मिला, ये बहुत जरूरी। लिखो और लिखो और लिखो। सोनू सबसे बड़ा बदतमीज, हाँ गुंडा लिख दो, गुंडा तो तुम साले है ये हो। और लिखो, हमारा घर ले गया, हम जाते बात जाते किया। लिखो लिखो लिखो, उस पर लिखो कि सोनू गुंडा हमारे दफ्तर को आया और हमारे साथ 5 मिनट बदतमीज। बहुत अच्छा लिख दिया। अब चलो देखते हैं कौन बचाएगा। चलो हम चले और क्या। चल आज तुझे वहीं ले चलूंगा जहां अखबार छापे जाते हैं, चलो वहां छपाओ चल करके। Bye.
का इंतजार हमें पूरा नहीं करना पड़ा, गुस्सा बढ़ गया। लेकिन दस घंटे का इंतजार करूंगा फिर तेरे परिवार को मैं उठा डालूंगा। गुस्सा ना जाने दोस्तों का अमल कैसे विनाश करता है। निकाल फिर के देखो, निकाल फिर के देखो, प्रतिज्ञा हो रात जो हम दोस्ती का उषा तुम्हारा ही नाम भारती है। भारती दीदी कहिए तो तुमने मेरे नाम से अखबार भी छापना शुरू कर दिया। जी हाँ, हम जैसे कमीनों के भी देखो यही हाल होना चाहिए। अखबार में नहीं, यहाँ तक दिल्ली तक पहुंचेगी। चलो चलो, हम तुमको ऑफिस में मिलेंगे। खबर नहीं होगी? क्यों नहीं होगी, हम आते हैं। सोनू सिंह, अगर तेरे में तेरे घर में माँ बहन हो तो उसे भी लाकर इस कुत्ते के हवाले कर देना। हमारी बहन होती तो उसका नहीं करता। तुम ऐसे लायक है ही। सुनो, मैं खाने की तरफ पढ़ो, मैं उसे ले जाऊँ। आओ, आगे बढ़ो। तो तुमने अखबार में लिख दिया कि मंत्री चरणदास से स्मगलर व माफिया एमएस और गांजे का ठेकेदार। बिल्कुल, तुमने कुछ बातें ऐसी नहीं लिखी जो तुम्हारी कलम से लिखने वाली थी। क्यों नहीं लिखा तुमने? समय आने पर वो भी लिख दिया जाएगा। अच्छा, समय आ चुका है। देख भारती, मैं तुम्हारा भारती देवी, इस चेहरे को लोग देखा करते थे तो आदाब शुक्रिया मनाया करते थे, लेकिन हम तुम जैसे कुत्ते पर थूकना पसंद नहीं करते। अच्छा, हाँ। चमक कुत्ते बजाते हैं। कैसा मंत्री चंदास का हाल हो रहा है? अब तुम अखबार में लिखोगी कि मंत्री चरणदास के ऑफिस में मेरा बलात्कार हुआ है। तुम्हारा दिमाग खराब है मंत्री चरणदास। जो तुम सोच रही है तमन्ना कभी पूर्ण नहीं हो सकती। और तुम नौकर भारती देवी
चौदह चौदह बता रहा है, हम तुम्हारा इसी दिन के लिए इंतजार करते थे कि किस रोज तुम्हें हम बुलाएं और तुम्हारा हम हाल ये बनाएं। क्या हमें छोड़ दीजिए, हम आपके पैर जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं। अच्छा अच्छा, अब आज के हम विषय में कभी सोचेंगे भी नहीं, ठीक है? अच्छा ओके, हम चल रहे। कहाँ? दरवाजा बंद है। जब मंत्री चरणदास का महल है, बिना इजाजत यहाँ से ना कोई जाता है और ना कोई अंदर आता है। हम तुम्हें मारेंगे नहीं, घबराओ मत। तुम्हारे जिस्म को इतनी तरीके से प्यार से अपने हम गले से लगाएंगे, कसम भगवान की, आज से भक्ति और शक्ति सब बंद। ये क्या करने जा रहे हो मंत्री जी? कि हम जय गुरुदेव के भगत थे, फिर अब आज से जय गुरुदेव के भगत खत्म। तुम इरादा क्या है तुम्हारा? बस तेरा बलात्कार। कहाँ जाओगी सोनू? आ मेरे पास आओ, मैखाने से निकल कर मुझे छोड़ दीजिए। मुझे कहाँ जाओगी? मुझे और सब कहेगा और सब कहेगा बहुत सुघर पाई। दुनिया जितनी बैठी है कहती है भारतीय कसी पार्टी की है, और हम जैसे बुढ़वा तुमको अगर गले से न लगा पाए तो हमारा मंत्री पद बेकार है। और सब कहेला बहुते सुधर तो लगना चाहिए। कहा जाती हो? हर एक दरवाजे पे तुम्हारा कोई नाक बैठा है सोनू। कहा
हम चाहते हैं कि उसे उठा के हमारे बिस्तर तक लेके आओ। चलो हम चलते हैं। अरे मालिक क्या चौकान बिस्तर नहीं, उसको ले चलो पकड़ के ससुरी को। नौकर तुम आगे बढ़ो। मरी गई क्या हुआ रे? अरे मालिक क्या है ये? हमारी दुश्मन है और तू है दुश्मन मेरी। आए भारती तू है दुश्मन मेरी, जाने दुश्मन मेरी। बर्दाश्त नहीं होता। उठा उठा से और मेरे कमरे तक जाए। सारा जमाना देखता